हवा जेठे हवा, क्या उपयोग किया है तूने इस लोटे का? जेठा जी, आपका ये एंग्री यंग मैन और एक्शन हीरो वाला रूप तो हमने पहले कभी नहीं देखा था। आप तो छुपे रुस्तम निकले। हाँ नहीं नहीं बबीता जी, इसमें रुस्तम क्या। क्या बात है जनरल, तुमसे ये उम्मीद नहीं था। और धमाका कर दिया जेठा ब्रा, तुमने तो धमाका कर दिया, मजा आ गया यार। अरे बस 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 भाई, इतनी तारीफ मत कीजिए। देखिए जो कुछ हुआ वो ये लोटे की वजह से हुआ। पर टप्पू के पापा, लोटे में हाथ आपका था ना? आखिर जेठा भाई ने काम ही इतना बड़ा जो किया है, इसीलिए हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सब कुछ आपने कैसे किया। बिल्कुल भाई, ये तो जरूरी है। नहीं नहीं, बैठ के इंटरव्यू करें। हाँ ठीक है, जैसे मैं यहाँ बैठ जाऊँ? जी बिल्कुल बैठिए। तो इनसे मिलिए दर्शकों, ये है हमारे आज के हीरो, गोकुलधाम सोसाइटी के जेठालाल गड़ा जी। जेठालाल चंपकलाल गड़ा? जी माफ कीजिएगा, हाँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अकेले ही इस शहर के सबसे बदनाम गैंग बिच्छू गैंग के लोगों को अकेले ही मारपीट दिया। और इतना ही नहीं, उन्हें पुलिस से गिरफ्तार भी करवाया। तो आप बताइए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैंने जो कुछ किया अपना कर्तव्य समझ के। क्या इसके बारे में आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे? जरूर दर्शकों, आप कभी भी कहीं भी किसी महिला पे दुर्व्यवहार होता हुआ देखे तो मेहरबानी करके बिना कुछ किए खड़े खड़े तमाशा मत देखना। क्योंकि क्या है, ऐसा बिना कुछ किए खड़े खड़े तमाशा देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है। आज भी जब मैं वो महिला की मदद कर रहा था, लड़की की मदद कर रहा था, तो कितने सारे लोग आसपास खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे, मानो कोई पिक्चर चल रही है। मेरी आप लोगों से एक ही विनती है, कहीं भी कभी भी आप ऐसे किसी महिला पे दुर्व्यवहार होता हुआ देखे तो मेहरबानी करके आप खड़े खड़े तमाशा मत देखिए, बल्कि ऐसा दुर्व्यवहार करने वाले को ऐसा सबक सिखाइए कि उसे उसकी नानी याद आ जाए। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें महिलाओं की गरिमा का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ हमारा फर्ज ही नहीं, यह हमारा धर्म है। क्या बात है जेठा जी, हैट्स ऑफ टू यू। जेठा भाई एक आखिरी सवाल, हाथ में लोटा पहनकर लड़ने का आपका ये स्टाइल हमारी जनता को बहुत ही पसंद आया, इसीलिए हमारी जनता ने आपको लोटा मैन के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। क्या आप इस लोटे का राज हमें बताएंगे? राज तो कुछ नहीं है रीटा जी, दरअसल आपको सच बताऊं तो क्या मेरी एक बहुत काम की चाबी सुबह यहाँ वो घर में लोटे में गिर गई, तो वो निकालने के लिए मैंने हाथ इसमें डाला तो फिर मेरा हाथ क्या लोटे में अटक गया। तो मैं तो सुबह से इतना परेशान था कि ये मेरा हाथ लोटे में से निकल ही नहीं रहा है, बहुत परेशान था मैं। लेकिन चलो अंत में खुशी इस बात की है कि इस लोटे की वजह से एक महिला का रक्षण हो गया। तो ये थे हमारे आज के हीरो जेठालाल चंपकलाल गड़ा। ऐसे और बहुत सारे जाबाज हीरो से मिलने के लिए देखते रहिए कल तक। मैं रीटा रिपोर्टर, थैंक यू जेठा भाई आपका इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे रीटा होकर बैठो ना, बहुत दिनों के बाद आई हो, चाय नाश्ता करके जाओ ना। हाँ रीटा जी बैठ बैठ, मुझे अभी बहुत जरूरी काम से जाना है, फिर कभी मिलते हैं। चलिए बाय। अच्छा लो कोई बात नहीं, काम है। अरे दया भाभी, रीटा को तो बहुत सारे काम है, लेकिन हम लोग तो ऑफिस से अपना काम छोड़ के यहाँ, तो हम तो नाश्ता करेंगे भाई आपके हाथ का।
और दया भाभी जी अभी तो पंडी पार्टी बनती है। अरे बैठे बैठे आओ छोटी भाई। आप लोग गर्मा गर्म खमन ढोकला खाएंगे? देखी और पूछ पूछ। और दया भाभी जी जो जो भी है ना सब ले आओ। वैसे एक बात है तो भाई, ये पार्टी किसकी वजह से हो रही है? तुम्हारे लोटे की वजह से। इस लोटे ने तो कमाल कर दिया, तुम्हें सब जगह फेमस कर दिया। तुम्हें इस लोटे का बड़ा आभारी होना चाहिए। आभारी तो ठीक है, वैसे ये लोटा मुझे आज बहुत भारी पड़ गया मेहता साहब। भारी पड़ गया क्यों? इसकी वजह से आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मेरे हाथ से चला गया। कैसे? हाँ अरे वो क्या हुआ, चलो भगवान की मर्जी है। और आप जी चंगाई कर दिया जी। क्या छोट, आज तूने एक महिला की रक्षा करके जो काम किया है वो बहुत बड़ा है। अरे ऑर्डर तो दूसरे भी मिल जाएंगे। एक्सक्यूज मी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए सर, आइए प्लीज आइए। अब बाबू जी मेहता साहब, ये यस जी, यस ओबेरो जी, हम अभी बात कर रहे थे ना वो मीटिंग। अच्छा मिस्टर यश ओबेरो आया था उसका? अरे अरे यकीन नहीं हो रहा है, यश ओबेरो जी आप खुद साक्षात मेरे घर पे आए। ये मतलब जी मैं नताशा की वजह से यहाँ पे। अरे सॉरी सॉरी, मैंने आपको तो देखा ही नहीं पापा जी। मेहता साहब ये वही लड़की है वो जिसका पर्स वो चोर चुरा के भाग रहा था और मेरे लोटे की वजह से वो चोर पकड़ा गया ना, वो ये नताशा जी। अरे वाह, थैंक गॉड पकड़ा गया है। लेकिन यश जी आप नताशा के साथ? जेठालाल जी आपने जो मेरी बेटी के लिए किया है उसके लिए मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम होगा। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया क्या यश जी, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। नहीं नहीं जेठालाल जी, आज के जमाने में किसी अनजानी महिला की सुरक्षा के लिए छह छह गुंडों से बैठ जाने वाले इंसान कहाँ मिलते हैं। हाँ जेठा जी, आपने जो हिम्मत दिखाई है ना, इट्स ट्रूली अमेजिंग। थैंक यू। वैसे यश जी सॉरी, वो आज मीटिंग के लिए मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया। वो क्या हो ना, ये लोटे में मेरा हाथ फंस गया था, उसकी वजह से सब गड़बड़ हो गई। It's all right, I can understand. तो एक रिक्वेस्ट है। हाँ कहिए। वो आपके सेक्रेटरी ने बताया कि कल आप फिर से विदेश प्रवास पर निकल जाने वाले हैं और फिर अभी छह महीने बाद आएंगे। तो आप यहाँ आए ही है तो एक 10 मिनट अगर आप मुझे दे दे तो हम यहीं बैठ के एक छोटी सी मीटिंग कर लेते हैं। अब मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है जेठालाल जी, आज से मेरी कंपनी के सारे ऑर्डर्स आपकी दुकान को ही मिलेंगे। और मेरे घर और ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले रहेंगे, आप जब चाहे तब आ सकते हैं। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझे दे झिझक बता सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान तेरे घर देर है अंधेर नहीं, सच। थैंक यू वंस अगेन जेठालाल जी। अच्छा तो अब हम चलते हैं, लेकिन आप हमारे घर जरूर आएगा। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं तो हमें कुछ खातिरदारी करने का मौका तो दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप बैठे ना, मैं अभी फटाफट गर्मा गर्म खमन ढोकला बना कर लाती हूँ। नहीं 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 भाभी जी, मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में जरूर आऊंगा फुल फैमिली के साथ। मुझे पता है इनकी एक एक सेकंड कीमती है। कोई बात नहीं, बाद में आएंगे, बोला तो जो जरूर आएंगे, बहुत एकदम जबान के पक्के हैं। यस जी अभी तो हम आपको जाने दे रहे हैं, लेकिन आपको दोबारा हमारे घर पे आना ही पड़ेगा खाना खाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, दैट्स आवर प्रॉमिस। चलिए अब भी चलता हूँ। बाबू जी मैं इनको जरा इनकी गाड़ी तक छोड़ के आता हूँ। नहीं नहीं इट्स ऑलराइट, नो फॉर्मेलिटी। नहीं नहीं इसमें फॉर्म, मैं आता हूँ ना।
नमस्ते। ओके नाना सर बेटा, ओके थैंक यू ओके। बाबूजी अभी छोटी नहीं, अभी तो बड़ी पार्टी चाहिए। क्या बात है जेठा जी, ये लोटा तो आपके लिए बहुत लकी निकला। अरे हाँ, और क्या जेठालाल, इतना बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारा परमानेंट कस्टमर बन गया भाई। ओए जेठा ब्रा, तुम्हारी तो चांदी होगी चांदी। और ये तो तब जब लोटा तांबे का था। अरे मेरा साहब, सच में आज ये लोटे की वजह से कितना कुछ हो गया। नताशाजी का पर्स चोरी होते होते बच गया, चोर पकड़ा गया, पूरे शहर में मेरी वाह वाह हुई। और सबसे बड़ी बात तो यह सोमेरोई जी जैसे इतने बड़े कस्टमर मुझे मिले। सच में ये लोटा तो कमाल का है। जी करता है एक बार फिर से मेरे हाथ लोटे में डाल ही दूं। मजाक कर रहा हूँ। वाह वाह, सुनो बेटा, कितने ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ रही हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि आजकल देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है। वैसे क्या हो रहा है हमारे देश में? हमारे देश में वरुण धवन की नई फिल्म दिशम रिलीज हो रही है। तुम कब से फिल्म के बारे में पढ़ रही थी? हाँ। बाबा प्लीज आप मेरे लिए दिशम फिल्म की टिकट लेके आना ना, आई जस्ट लव वरुण धवन। लाजने वाटर, एक तो फिल्म के बारे में पढ़ रही हो, वरुण वाला मंटे आई लव वरुण, कोई जरूरत नहीं वरुण की फिल्म देखने की, समझी ना? चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे भिड़े अंकल, ऐसे कैसे हो सकता है? सोनू तो वरुण धवन की कितनी बड़ी फैन है। कपू, सोनू मेरी बेटी है तो उसे मैं बताऊंगा कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हें वकालत करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप लोगों ने यहाँ पे आने का कष्ट क्यों किया? भिड़े अंकल, हम लोग एक्चुअली डोनेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं, इसलिए सोनू को लेने आए। पिक्चर देखने के लिए डोनेशन कलेक्ट करो, शर्म नहीं आती? नहीं। अरे नहीं, अरे आप लोग कब आए? अरे अभी आए हैं, पूछो तो सही किस लिए आए हैं। किस लिए? डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं फिल्म देखने के लिए। भिड़े अंकल, हम लोग उत्तर भारत के बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, नहीं नहीं, वाकई अच्छी बात है, जरूर कॉलेज ने कहा होगा। नहीं 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 बाबा, ये हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे हैं। फिर जो भी डोनेशन जमा होगा वो हम प्राइम मिनिस्टर फंड में भेज देंगे। आप खाबखा उनको डांटते रहते हैं। माधवी, मैं हमेशा इनको इनके भले के लिए डांटता हूँ। अभी देखा ना कितना अच्छा काम कर रहे लोग, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। अरे वाह मोगेम्बो, खुश हुआ? नहीं मोगेम्बो, नहीं नहीं वीर अंकल, वो क्या है, कल रात को मिस्टर इंडिया फिल्म देखी ना तो उसके डायलॉग मुंह में आ रहे। अच्छा फिल्म से याद आया, भिड़े अंकल आप हमें फिल्म देखने लेके जाएंगे ना? अरे फ्रेंड्स, फिल्म बाद में, पहले हम लोग डोनेशन कलेक्ट करने चलते हैं। चलो चलो फ्रेंड्स चलो। अरे नहीं नहीं फ्रेंड्स, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले हम बाबा से ही डोनेशन की शुरुआत करते हैं। हां क्या बात है, करेक्ट करेक्ट। हां बराबर। हां ये लो, ये मेरी तरफ से, बोला गणपति बाप्पा। बोलिया, शुरुआत हो गई। यस थैंक यू भिड़े अंकल। पर हां सुनो, तुम लोग डोनेशन इकट्ठा कर रहे हो तो इसका बराबर से हिसाब रखना। क्या है, कभी भी हम लोग समाज के लिए कुछ करते हैं, जैसे दान के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, तो वो बहुत गरिमापूर्ण चीज होती है। और इसके लिए हम लोग को हमें, चलो चलो फ्रेंड्स डोनेशन के लिए लेट। हां चलो चलो चलो। ए बड़ा बिन चीटर लेके जा, रुक। हां अच्छा भिड़े अंकल, आप ये सारे बिस्किट खाने वाले हैं? सीधा सीधा बोलो ना, तुम्हें बिस्किट चाहिए? भिड़े अंकल मैंने आपको बताया ना कल रात को मिस्टर इंडिया देखी। मिस्टर इंडिया का और बिस्किट का क्या लेना देना? भिड़े अंकल कैलेंडर खाना दो, कैलेंडर खाना दो। ओ ओ ओ, कल 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 मेरा कर दो ना प्लीज। थैंक यू मेरा कल। अरे अरे थोड़ा, तुझे खाना दो, तुझे मांगना चाहिए ना, खामा खा मेरा नाम खराब होता है इधर। ओ अरे प्लेट तो दे। थैंक यू मेरा कल। चलो 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 चलो। हाय 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 हाय। अरे गुड मॉर्निंग पपिता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। आइए कहाँ जाना, छोड़ देता हूँ, आइए। नहीं नहीं इट्स ओके, आप जाइए। अरे अच्छा तो एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, आप ये छत्ता ले जाइए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं ये बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद चला जाऊंगा दुकान। लीजिए जेठा जी, इट्स ओके, आइए, ऊपर छाता ले ही गया है। ओ, दोनों साथ में बाहर जा रहे हैं जी, किस तरफ? चलो पपिता। अरे जनरल क्या हुआ, किसका क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में छाता है और फिर भी तुम यहाँ पर खड़े हो,
दुकान नहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, वो क्या है कि मैं दुकान ही जा रहा था, लेकिन बबीता जी को इधर खड़े हुए देखा तो मुझे लगा बारिश की वजह से बेचारे खड़े, तो मैंने बोला मेरा छत आप ले जाइए, मुझे कोई जल्दी है नहीं, बारिश रुक जाएगी उसके बाद मैं दुकान चला जाऊंगा। लेकिन फिर इन्होंने बताया कि आप छाता लेने ही गए, तो आप आओ तब तक मैं इनको कंपनी दे रहा था। चलो चलते हैं भाई। अरे भाई क्या, मुझे भी जाना ही है दुकान, मुझे तो रहना थोड़ी है भाई। पापा अय्यर अंकल, डोनेशन। किस चीज का डोनेशन बेटा? उत्तर भारत में बाढ़ में फंसे हुए गरीब और जरूरतमंद के लिए डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ। अरे वाह क्या बात है। वाह 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 टप्पू सेना, ये तो तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। टप्पू सेना ये लो, गुड जॉब, ये लो, थैंक यू अंकल। पापा आप भी लीजिए प्लीज। बेटा तू पहले सोसाइटी में से सबसे ले ले, मैं तुझे रात को घर पे दे दूंगा। हां क्या है जनरल, डोनेशन देने में क्या बहाना बना रहे हो? मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ यार भाई, क्या है बापूजी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि बेटा कभी भी दान करो तो गुप्त दान करो, अगर दाएं हाथ से दान कर रहे हो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दान दे रहे हो। इसलिए मैंने बोला कि बेटा रात को मैं घर पे दे दूंगा। ओ पापा वो सब बराबर है, लेकिन मुझे आज शाम को ये डोनेशन सबमिट करना है, तो आप मुझे अभी दे दो ना प्लीज। ओहो ठीक है, काम करो, डब्बा मुझे दे, ला, ला। ये ले बेटा। थैंक यू पापा। अरे डब्बे में कुछ डोनेशन डाला या ऐसे ही चक्कर लगा कर आ गए? अय्यर चलो फ्रेंड्स हम लोग और डोनेशन कलेक्ट करते हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू अंकल, ऑल बेस्ट। चलिए आपको कहाँ जाना, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं इट्स ओके, हम चले जाएंगे। हाँ नटू काका बोलो। आप घर से निकल गए? हाँ निकल गए, क्यों? अब तो वापस लौट जाइए, मैं के यू टर्न। क्यों? आज दुकान में लाइट चली गई है। हमेशा के लिए? क्या सेठ जी आप भी हमेशा के लिए थोड़े ही जाएगी। हाँ वही तो, लाइट चली गई है तो वापस आ जाएगी। हाँ हाँ सेठ जी आ जाएगी, लेकिन मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि लाइट आने में देर लग जाएगी। अच्छा हाँ, तो आप घर पे ही आराम कीजिए। ठीक है, तो लाइट आए तो मुझे फोन करना। हा? जी सेठ जी। और कुछ काम हो तो भी फोन करना। ऑफ कोर्स सेठ जी, दैट गोज विदाउट सेइंग। लो ये तो आज छुट्टी मिल गई अभी। वेरी गुड बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू अंकल। अंकल डोनेशन भाई, मैं आप लोगों के इस महान काम के बारे में तूफान एक्सप्रेस में एक बढ़िया आर्टिकल लिखूंगा। ओके हां यार अंकल, वो सब तो ठीक है, लेकिन डोनेशन तो देते जाइए। हां हां ये लो अंकल, सिर्फ 10 रुपए। अंकल दादाजी हमेशा कहते हैं कि अगर हम पुण्य का काम करें तो हमारी जो भी इच्छा वो जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। मतलब पोपट अंकल की शादी जल्दी होगी? हाँ ऑफ कोर्स हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, चल चलते हैं। एक मिनट बच्चों, एक मिनट भाई, 10 रुपए वापस दो। पोपट अंकल आप 10 रुपए भी ले लेंगे? हाँ। अरे वो मैंने गलती से दे दिया भाई, मुझे लगा 100 की नोट है। भाई मैं और दे रहा हूँ ना, मैं 10 रुपए तो जो दाव दे दिया। ये पकड़ो 200 रुपए। किस चीज का डोनेशन? अब्दुल भाई अभी वो बाढ़ आई थी ना, उसके रिलीफ फंड के लिए डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। थैंक यू अब्दुल भाई। चलो चलो फ्रेंड्स हम लोग बाहर भी पैसे कलेक्ट करते हैं। थैंक यू अब्दुल भाई, बाय बाय। क्या मस्त गाड़ी थी ना यार। शायद उस गाड़ी में कोई सेलिब्रिटी था। हा? पता नहीं शक्ल थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। क्या बात कर रही है, चल देखते हैं, चल चल चल। थामे, अरे थामे, थामे, थाम 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 थाम, इधर जा रहा है। ए, ए, सिग्नल तोड़ता है, चल चल काच नीचे कर, चल काच नीचे कर, लाइसेंस निकाल।
निकले लोटेलाल, जेठालाल को कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया और जेठालाल सारे शहर में हीरो भी बन गए। बहरहाल हम बात करते हैं बॉलीवुड के हीरो, यंग डैशिंग हीरो, यंग जनरेशन के सुपरस्टार वरुण धवन सिग्नल तोड़ते हुए पकड़े गए। अब क्या होगा? और टप्पू सेना भी वही है, क्या करेगी टप्पू सेना? भाई कल वरुण धवन के साथ बहुत सारा धमाल होने वाला है, बहुत सारी मस्ती होने वाली है और कल हम एक स्पेशल विशेष अनाउंसमेंट करने वाले। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, अपनी उत्सुकता बनाए रखिए। क्या होगा ये अनाउंसमेंट, क्या है विशेष, ये सब मिलेगा आपको देखने को जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.